हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, भगवान की कृपा के ऊपर सदैव बनी रहे। तो कल गंगा आरती के बाद हम लोग फिर होटल चले गए थे और फिर सुबह सुबह नेक्स्ट डे सुबह सुबह गंगा स्नान किए, क्योंकि हम लोग जिस दिन पहुँचे थे उस दिन शाम हो गया था, तो वही दो तीन मंदिर का दर्शन कर सकते थे, तो स्नान नहीं किए थे, दर्शन करने का काम कर लिए थे और फाइनली गंगा स्नान पहुँच गए। डुबकी मारे, खूब सारा फन किए, भक्ति में भी रहे, मस्ती में भी रहे, दोनों काम एक साथ। मैं जब उधर जा रही थी ना, तब ये बार बार उधर जाने से रोक रहे थे, क्योंकि गंगा का अंदर से फ्लो रहता है ना, जिसके वजह से, और हमें पानी देख के पता नहीं क्या हो जाता है, फिर ज़्यादा ही दोस्ती है पानी से, डूबे तो डूबे बढ़ते जाइएगा, मगर बहुत अच्छा लगता है। अदर नदी में नहाई और गंगा जी में नहाई, देख तो जो मन में भक्ति की भावनाएं रहती है ना, उसके वजह से वो ज़्यादा ही कुछ सुकून दे देता है, तो वही होता है इसके साथ। तो मेरे के बाद जनाब भी किए थे, एक्चुअली हम लोग साथ में किए थे, फिर शूटिंग के लिए अलग अलग भी किए, तो ये थोड़ा सा क्योंकि हम लोग दोनों दो ही लोग थे ना, तो दोनों एक दूसरे का शूटिंग कर रहे थे। फाइनली गंगा नदी का अपना स्नान पूरा हुआ, बहुत मज़ा आ रहा है, पसीना पोछिए। हम लोग स्नान करने के लिए गंगा नदी के इस पार आए थे, क्योंकि उस पार बहुत सारा नाव खड़ा था, उसकी वजह से बहुत अजीब सा पानी हो रखा था, तो आए तो फिर जब जाने लगे उस पार, तो ये बाबू हम लोग को बोला कि टीका लगा दें, तो हम लोग बोले कि हाँ हाँ, हम लोग सोच भी रहे थे कि कोई मिल जाता है इसी साइड में, तो फिर हम लोग टीका लगवाए, लगवाने के बाद हम लोग का नाव स्टार्ट हुआ और फिर गंगा जी के जिस साइड से आए थे उस घाट पे पहुँच चले, गंगा घाट नाम भी था, गंगा घाट ना, गंगा घाट पे ही पहुँच चले। ये जो सीन है ना, इसको शब्दों में, मगर मौसम गलत चुन लिए थे हम लोग, थोड़ा सा ठंडा मौसम होता ना तो और मस्ती करते, धूप बहुत कड़ा था, इसकी वजह से बहुत गर्मी हो रहा था, तो अगर प्लानिंग करके स्पेशली जाया जाए ना, तो अक्टूबर नवंबर बेस्ट टाइम है इसके लिए, मगर उस समय पानी का फ्लो पड़ जाएगा ना, पता नहीं, जब जाए तब, जब मुहूर्त बन जाए तभी सही टाइम है। उसके बाद इस साइड आके हम लोग दोनों को पूजा किए, पूजा करने के बाद होटल गए, होटल में से अपना बैग उठाए, क्योंकि अब हम लोग को होटल में जाना नहीं था, फिर उसके लिए हम लोग को रिटर्न इधर आना पड़ता है, इसलिए वहाँ से बैग उठाए और चल दिए सारनाथ की तरफ। सारनाथ में सबसे पहले बौद्ध मंदिर में गए, वहाँ पे दर्शन किए, गर्मी बहुत था इसलिए सबका हालत ख़राब था, जहाँ जहाँ मंदिर हो रहा था वहाँ पे लोग रिलैक्स कर रहे थे, क्योंकि वहाँ का ये ठंडा माहौल भी था, और एक तो भक्ति भाव ना वाला माहौल, ऊपर से ठंडा वाला, वो ज़्यादा राहत दे रहा था, वरना देखिए अगर अदर मौसम में गए होते, ये सब सीन इतना अच्छा है कि आप यहाँ एक मंदिर में एक दिन गुजार सकते हैं, फिर भी आपका मन नहीं भरेगा, इतना खूबसूरत सीन था हर जगह का, हर जगह बैठने का जगह बना हुआ था, हर चीज़ था, मतलब ये कम्प्लीट एक डे आप इस मंदिर में रिलैक्स करने के लिए गुजार सकते हैं, अगर घूमना हो तो वो तो एक दिन में आप कितना भी घूम सकते हैं। ये यहाँ का खासियत है कि यहाँ बुद्ध भगवान का मूर्ति जो था 80 फीट का था, 80 या 88 फीट का था, समथिंग ऐसे ही कुछ था, इस मंदिर का यही नाम भी था 80 फीट के बुद्ध मंदिर। और ये देखिए यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी कि वह बहुत अच्छा आ रहा था, वही दिखा रही थी कि देखिए यहाँ पे फ़ोटो अच्छा आ रहा था। उसके बाद ये सरोवर बना हुआ था, मेन जो मूर्ति है ना उसके सामने एक बुद्ध सरोवर था, एक कोई महादेवी वर्मा का सरोवर था शायद, आगे दिखाएंगे कौन सी देवी का सरोवर है, जिसमें कमल का फूल खिला हुआ था, बुद्ध सरोवर में पिंक कलर का कमल खिला हुआ था और उसमें येलो कलर का जो आगे में है, गर्मी में भी खिला हुआ है, कम बात थोड़ी है, मगर बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी था अभी। ये देखिए कली कितना खूबसूरत लग रहा है, खिलने वाला है।
ये देखिए कितना प्यारा सा है, बहुत प्यारा लग रहा था ये फूल, इसलिए इसको हम जूम करके स्पेशली लिए। ये खिला हुआ भी कम था तो, मगर जो खिला था बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए स्पेशली इसको लेना पड़ा हमें। देखिए माया देवी सरोवर इसका नाम था। इसके बाद सामने में ये मूर्ति गौतम बुद्ध का, मतलब ये फ्रंट था, उसके बाद दो सरोवर था, उसके बाद वो मूर्ति था, इस तरीके से था, उसके बाद अशोक स्तंभ था, मतलब इधर बैठने के लिए सीटिंग एरिया बनाया हुआ था। यहाँ पे देखिए कटहल कितना भरा हुआ था, एक पेड़ में नहीं, ऐसा जो चारों तरफ से कटहल का ही पेड़ था, चारों तरफ इसी तरीके से कटहल भरा हुआ था। उसके बाद हम लोग निकले और पहुँचे जैन मंदिर। बीच में एक कोई पार्क था मगर उसमें जाने का हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी धूप था, तो मेन था कि उसमें आप घूमो तो रिलैक्स होकर घूमो, था धूप में घूमने का कोई विशेष मज़ा नहीं आ रहा था। उसके बाद जैन मंदिर गए जिसमें अंदर में यहाँ तक ही कैमरा अलाउड था, उसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो अंदर जाके दर्शन किए। फिर मेन बुद्ध मंदिर में पहुँचे, तो यहाँ पे का ये मेन मंदिर है, ये साइड से उस चलते चलते हालत ख़राब हो गया है गर्मी की वजह से और ज़्यादा परे हैं, यहाँ पे घूमने आए तो जैसे मैं अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है ना वो टाइम सही है। इसका बैक में पार्क, जैन मंदिर और बौद्ध मंदिर आपस में कनेक्टेड है, उधर से वो जो उधर दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन, यहाँ यहाँ पे वहीं से उधर कनेक्टेड था। ये बड़ा सा घंटा और उसके बाद यहाँ पे हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध फर्स्ट टाइम जो चार शिष्य बनाए थे उनके साथ में चार शिष्यों का भी स्टैचू बना हुआ है। तो इसका यहाँ का मेन ये चीज़ ये बहुत अच्छा लगा देख के कि भक्तों का भी उतना ही वैल्यू दिया गया यहाँ पे, तो ये मेनली है। देखिए चारों भक्त साथ में ज्ञान दे प्राप्त करते हुए। ये चीज़ आपको हर बौद्ध मंदिर में आपको दिख जाएगा, वो गया का हो चाहे यहाँ का हो। गया में मैं फर्स्ट टाइम देखी थी बौद्ध गया में, उसके बाद यहाँ पे भी ये चीज़, मतलब ये मंदिर जो जहाँ पे दिखा देते हुए जो बना हुआ है ना, इसके चारों तरफ ये बाउंड्री इसी से बना हुआ है। उसके बाद वो जो हम बाहर से मंदिर दिखाए थे उसी मंदिर का है वो पार्ट है, तो उसके अंदर में का ये दृश्य है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद हिम्मत नहीं था कि कुछ भी और कहीं घूमा जाए, तो बस हम लोग इसके बाद आगे का घूमने का प्रोग्राम कैंसिल किए, उमराहा अपने स्वर्वेद महामंदिर में गए, उसके बाद संकट मोचन दर्शन किए, उसके बाद अपने घर को प्रस्थान किए। यही वीडियो का समाप्ति है, पार्ट में आपको दिखाएंगे। तो बस स्वर्वेद महामंदिर का स्पेशली दिखाया, संकट मोचन का तो सबको ही को पता है कि अंदर में मोबाइल एंट्री नहीं होता, तो वहाँ का हम कुछ भी नहीं डाले। तो स्वर्वेद महामंदिर का आपको व्यू दिखाएंगे और उसके बाद फिर क्या हुआ वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये मतलब फाइनली लगभग डेढ़ दिन का टोटल सफ़र आपके साथ शेयर किए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।